हे गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपका ही रिक्वेस्टेड वीडियो। मतलब जो भी मैंने साड़ी अपने भाई की शादी में ली थी, वो साड़ी आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई थी। कुछ मैंने साड़ियाँ उसमें से ऑनलाइन ली थी, कुछ मैंने ऑफलाइन ली थी। जो ऑनलाइन ली थी उनका लिंक तो मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट जो ऑफलाइन ली थी उसका लिंक मैं दे नहीं पाऊंगी आपको। सारी साड़ियाँ अगर आपको पसंद आती है तो एक लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माय हॉल स्टोर का, इन सारी साड़ियों का, और सेपरेट लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां पे चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको सारे साड़ियों के लिंक्स मिल जाएंगे। पहले दिखा देती हूँ आपको कौन कौन सी साड़ियाँ है मेरे पास। बहुत ज्यादा अच्छी है। कोई भी आपके घर में फंक्शन हो, वेडिंग हो या रिसेप्शन हो, कोई भी फंक्शन हो आपके घर में, उसके लिए आप परचेस कर सकते हो ये वाली साड़ियाँ। बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो से आपको। ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन सी साड़ी है। मैं आज आपके साथ मेरा बनारसी सिल्क साड़ी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, पर आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की उसके लिए, इतने कमेंट्स किए कि फाइनली मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, ज्यादातर साड़ियां मैंने उसमें से अमेजोन से ली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली साड़ी है ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप देख सकते हो कलर कितना ज्यादा प्यारा है, मुझे कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसका पैटर्न बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और इसको पहनने के बाद ऐसा हेवी फील नहीं होता है। वैसे साड़ी बहुत हेवी है बट ज्यादा वेटेड नहीं है, लाइट वेट है। तो इस तरह की ये साड़ी है, कलर बहुत ज्यादा प्रीटी है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से ब्लाउज सिलवाया है, और उसके बाद साड़ी दिखाती हूँ आपको ओपन करके। बहुत ही सुंदर साड़ी है, आप देख सकते हो ये वाली साड़ी है, ये देखिए बहुत ही सुंदर साड़ी है। इसके ऊपर गोल्डन बूटे दिए हुए हैं, और उसके बाद नीचे जो है मरून कलर की बॉर्डर है। इसमें बॉर्डर भी बहुत ज्यादा प्यारी है, गोल्डन कलर की बहुत बड़ी सी बॉर्डर है, मतलब ब्रॉड सी बॉर्डर है। उसके बाद ऊपर इस तरह से बॉर्डर है, और मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसका पल्लू किस तरह से है। इसका पल्लू आप देखो, बहुत ही सुंदर सा पल्लू है इसका, मुझे बहुत प्यारा लगता है, और ये साड़ी पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर लगती है। कलर बहुत प्यारा है इसका, हेवी भी है उसके साथ साथ लाइट वेट भी है, इसी वजह से ये साड़ी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। आप देख सकते हो पूरी साड़ी में इस तरह के बूटे हैं, और पल्लू तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से है, पल्लू कुछ इस तरह से है। ये वाली है फर्स्ट साड़ी। इसके ऊपर जो ब्लाउज मैंने सिलवाया है वो ज्यादा फैंसी नहीं सिलवाया है, क्योंकि कभी भी पहन सकती हूँ मैं, ऐसा सिलवाया है, ज्यादा फैंसी नहीं सिलवाया है। बस इस तरह से राउंड नेक पीछे से लिया है, और आगे से जो है इस तरह से राउंड नेक ही लिया है, बस छोटी सी स्लीव्स रखी है। इस तरह से ही मैंने ये साड़ी का ब्लाउज सिलवाया है, और उसके बाद जो साड़ी मैंने ली है ना, वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, जो मैंने अपने भाई के एंगेजमेंट पे पहनी थी, वो है ये वाली साड़ी। इसके ऊपर जो ब्लाउज मैंने सिलवाया है वो आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले इस तरह की लेस लगवाई है मैंने, ये भी बहुत ही सिंपल सा ब्लाउज सिलवाया है मैंने, इस तरह की सिर्फ लेस लगवाई है, आगे से भी इस तरह की लेस लगवाई है बस, और छोटी सी स्लीव्स रखी है। ये वाला भी बहुत ही सिंपल सा सिलवाया है ब्लाउज। और इसके बाद आप साड़ी देखो, साड़ी भी बहुत सुंदर है, आपको बहुत पसंद आने वाली है साड़ी। ये देखिए इतना हेवी लुक देती है ना ये साड़ी, कि कोई भी आपको पूछेगा कि ये साड़ी कहाँ से ली है आपने। इतनी पसंद आई थी आपको जब मैंने अपने भाई की एंगेजमेंट में ये साड़ी पहनी थी, बहुत ज्यादा पसंद आई थी आपको। और ये साड़ी है ही वैसे, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइस है वो इतनी ज्यादा नहीं है, प्राइस बहुत कम है, उसके अकॉर्डिंग साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब आप शॉप में अगर लेने जाओगे ना ऐसी साड़ी, तो आपको नहीं मिलेगी इस तरह की साड़ी। इसी वजह से मैंने ऑनलाइन परचेस की थी, और बहुत लोगों ने मुझे पूछा था, भाई के एंगेजमेंट में भी पूछा था मुझे बहुत लोगों ने, और आप लोगों ने भी पूछा था कि कहाँ से लिए थी, बहुत लोगों ने लिंक भी मांगा था उस टाइम। तो मैंने सोचा ये भी साड़ी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पिंक कलर की इसकी बॉर्डर है, पूरी ग्रीन कलर की साड़ी है, और उस पर गोल्डन कलर का जो वर्क है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप देखो इस तरह से इसका पल्लू है, पल्लू के पीछे मतलब पल्लू के लास्ट में इस तरह की ये मतलब लटकन दिए हुए हैं, इसकी वजह से बहुत सुंदर लगती है ये साड़ी। और इतनी हेवी है, उसकी जैसा इसका जो वेट है वो नहीं है, मतलब ये भी आपको साड़ी ऐसे नहीं लगेगी कि आपने बहुत ही ज़्यादा हेवी पहना है कुछ। तो मुझे पर्सनली ये वाली साड़ी भी बहुत अच्छी लगी, और बहुत क्या, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हैं इस वाली साड़ी को। उसके बाद जो मैंने साड़ी ली है ना, वो है ये मैंने ऑफलाइन ली है एक्चुअली, और आपको पसंद आने वाली है, इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये कुछ इस तरह से है, गोल्डन जरी का वर्क है,
और उसके बाद इसकी जो बॉर्डर है कुछ इस तरह से पर्पल पिंक कलर की बॉर्डर है इसकी। पूरी साड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका जो पल्लू है वो भी आपको दिखा देती हूँ। पल्लू कुछ इस तरह से है, इसका पिंक कलर का पल्लू है, उसके बाद पूरे साड़ी में इस तरह से जरी वर्क किया हुआ है, पूरा जरी वाला वर्क है, तो बहुत ही सुंदर लगती है ये वाली साड़ी भी। और पर्सनली इसका कलर पैटर्न बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत हेवी लुक देती है ये वाली साड़ी। ये मैंने ऑफलाइन ली है तो इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी आपको, और जो जो ऑनलाइन ली है वो आपको बता दूंगी, और जो जो ऑफलाइन ली है वो भी आपको बता दूंगी। इसके बाद मैंने ली है ये वाली साड़ी, ये भी आपको इतनी ज्यादा पसंद आने वाली है ना कि आप इसके फैन बन जाओगे। बहुत ही सुंदर साड़ी है और इसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस इतनी ज्यादा नहीं है। तो इसके ऊपर जो ब्लाउज मैंने सिलवाया है वो आपको दिखा देती हूँ, ब्लाउज किस तरह से पफ स्लीव्स में मैंने ब्लाउज सिलवाया है, इस तरह से ये बॉर्डर लगवाई है। उसके बाद आप देखो पैक नेक है पीछे का, बोट नेक ये सिलवाया है मैंने ब्लाउज, तो सिंपल सा ये भी ब्लाउज सिलवाया है मैंने। ये ब्लाउज सिंपल से इसलिए सिलवाया है क्योंकि मुझे गाँव जाना पड़ता है, और गाँव में ही ज्यादातर फंक्शन रहता है, गाँव में ही ज्यादातर साड़ियाँ पहननी पड़ती है, तो इसी वजह से मैंने ऐसे सिलवाया है इसके ब्लाउज, मतलब वहां पर मुझे कंफर्टेबल लगे। तो ये साड़ी आप देख सकते हो, साड़ी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। ये इसका जो पल्लू है कुछ इस तरह से है, इसके पल्लू में इस तरह से लटकन दिए हुए हैं, इतने ज्यादा प्यारे लगते हैं ये वाले लटकन। इसके बाद पूरी पिंक कलर की साड़ी है, उसके ऊपर ये मतलब क्या बोलते हैं ढोल, और उसके बाद ये शहनाई इसकी जैसी डिजाइन दी हुई है। इसके बाद आप देख सकते हो बॉर्डर कुछ इस तरह से है, और पूरी साड़ी में इस तरह का वर्क है, मतलब क्या बोलते हैं इसे जरी वर्क है। बहुत ही सुंदर लगती है ये वाली साड़ी भी पहनने के बाद, और आपको भी पसंद आई होगी पक्का, मुझे पता है। ये वाली साड़ी मैंने ऑनलाइन ली है, आपको भी सच में पसंद आने वाली है। उसके बाद मैंने ली है ये वाली साड़ी, ये मैंने ऑफलाइन ली थी, तो ये वाली जो साड़ी है वो मैंने अपने भाई की शादी में पहनी थी, और आपको इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि हर कोई इसका लिंक मांग रहा था मुझे। और सॉरी डियर, इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी, बट ये मैंने अपने यहाँ के लोकल मार्केट से ली थी। और इसकी साड़ी का प्राइस भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैंने ये होलसेल मतलब मार्केट से ली थी ना, तो इसी वजह से ये वाली साड़ी मुझे 6,500 की पड़ी थी। इतनी सुंदर साड़ी है ना ये, इतनी भरी हुई है ना, पूरा भरा हुआ लुक आता है इससे, बहुत ही सुंदर साड़ी है। और इसके बाद आप देखो ये वाला ब्लाउज मैंने इस तरह से सिलवाया था, थोड़ा सा शादी के अकॉर्डिंग भी सिलवाया था, और बाद में भी मैं पहन पाऊँ इस तरह से। ये मैंने यहाँ पर लेस लगवाई थी, उसके बाद यहाँ पर स्लीव्स पे इस तरह से पैच लगवाए थे, और यहाँ पर भी बॉर्डर पे ये वाली लेस लगवाई थी, तो इसकी वजह से इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आया है, मतलब ब्लाउज की वजह से और भी ज्यादा अच्छी लगने लगी है ये वाली साड़ी। मुझे पर्सनली इतनी ज्यादा पसंद है ये साड़ी कि आपको क्या बताऊँ, मतलब जब भी मैं बोलूंगी ना मेरे पास जो भी कलेक्शन है साड़ी का, उसमें से मेरी फेवरेट साड़ी कौन सी है, तो वो ये है। बहुत ही सुंदर साड़ी है, और इसकी जैसे प्लेट आप बनाओ वैसी प्लेट बन जाती है, और वैसी की वैसी ही दिन भर रहती है, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, इतनी सुंदर साड़ी है। और अगर आप कहीं और लेने जाते हो ना, ये वाली साड़ी आपको बहुत महंगी मिलेगी, बट यहाँ पर हमारे यहाँ के लोकल मार्केट में, मतलब जहाँ से मैंने होलसेल से ली है ये वाली साड़ी, ये मुझे मिली है 6,500 के सिर्फ। इतनी सुंदर साड़ी है, पूरा भरा हुआ लुक है, मतलब ये कांचीपुरम साड़ी है वैसे। ये देखिए आप, इस तरह से बॉर्डर है इसकी, उसके बाद पूरा भरा हुआ लुक है इसका। इसकी साइड में पिक भी लगा दूंगी मैं कि ये मुझ पे किस तरह से लगती है साड़ी, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। जो भी पिक मुझे मिल जाए ना, वो पिक मैं आपको साइड में लगा दूंगी, जहां जहां पर भी मैंने पहने थे। बहुत ही सुंदर साड़ी है, मुझे ये पर्सनली इतनी ज्यादा पसंद है ना, कलर बहुत ज्यादा प्रीटी है इसका, डिजाइन वर्क जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके बाद लुक भी बहुत अच्छा आता है पहनने के बाद, तो इसी वजह से ये साड़ी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। बट मैं इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी आपको, क्योंकि मैंने ये लोकल मार्केट से परचेस की है। उसके बाद आती है ये वाली साड़ी जो मैंने अभी पहन रखी है, वो वाली साड़ी भी मैंने ऑनलाइन परचेस की है, इसी वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर साड़ी है, इसका भी ब्लाउज मैंने सिंपल सा सिलवाया है, क्योंकि मैं ससुराल में इसे पहन पाऊँ इसी वजह से। और आप देखो बहुत सुंदर साड़ी है ये, और ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर मुझे साड़ी में इतना ज्यादा पसंद है ना कि आपको क्या बताओ, मतलब साड़ी अगर होती है ना तो मुझे ग्रीन कलर ही दिखता है ज्यादातर, तो मुझे ग्रीन कलर बहुत ज्यादा पसंद, तो इसी वजह से मैंने ये वाली साड़ी ली थी। और सस्ती है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है, बट इसका लुक बहुत हेवी आता है, तो बहुत अच्छी लगती है आपके ऊपर, जब आप पहनोगे एक्सरसाइज कर लोगे बहुत सुंदर लगेगी।
मेकअप वगैरह पे। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे ऊपर ये कैसे लग रही है ये भी जरूर बताना, और आपको पूरी साड़ी कैसे लगी ये भी जरूर बताना। इसका जो पल्लू है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से इसका पल्लू है पूरा, मतलब जो बूटे हैं यहाँ पर छोटे छोटे दिए हैं, यहाँ पर पल्लू पे बड़े बड़े दिए हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। बस यहाँ पर मेहंदी ग्रीन कलर की ये पूरी साड़ी है और भरा हुआ लुक आता है, और आप देखो पीछे से कुछ इस तरह से लगती है। तो ये कुछ इस तरह से साड़ी है, ये है मेरी लास्ट साड़ी, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उसके बाद मैंने और कुछ लिया है अमेजोन से, वो भी आपको दिखा देती हूँ। इस बार मैंने ये वाला स्कर्ट लिया है जो एथनिक वेयर में आता है, और ये वाला स्कर्ट भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। जैसे कि आपके घर में हल्दी वगैरह हो तो इसके ऊपर आप कोई भी ब्लाउज पहन लो, इसके ऊपर आप चुन्नी ले लो, बहुत ही सुंदर लगेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे जो है वो बॉर्डर दी हुई है ये गोल्डन कलर की, और उसके बाद इसके अंदर भी आप देख सकते हो इसके अंदर इनर भी दिया हुआ है, मतलब सी थ्रू नहीं होगा ये, तो बहुत ही सुंदर लगा ये मुझे। फ्रंट में कुछ इस तरह से प्लेन है, उसके बाद यहाँ पर इलास्टिक दिया हुआ है ब्रॉड सा, और इसका घेर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप घेर देख सकते हो, बहुत ज्यादा घेर है इसमें, मतलब आपको सच में बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है आपके पास आने के बाद। मुझे तो पसंद आया ही है, इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में वेडिंग है तो उसके हल्दी में आप ले सकते हो ये, वैसे भी आप पहन सकते हो, कोई भी अगर फेस्टिवल आता है उस पर भी आप पहन सकते हो ये, तो मुझे वैसे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। उसके बाद मैंने जो लिया है वो आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने लिया है ये वाले शूज जो मैंने माही के लिए लिए हैं, तो यहाँ पर है माही के शू ब्राउन कलर के, पिछली बार मैंने लिए थे वो ब्लैक कलर के लिए थे, यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर के लिए है, तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है हील, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है हील है इसमें। बाद यहाँ पर आप देखो इस तरह से जिप दी हुई है, आपकी अच्छी क्वालिटी की है, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो इस तरह से थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए दिया है। इसकी क्वालिटी मुझे सच में इतनी ज्यादा पसंद आई है ना कि मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपको अगर लेने हैं, आपकी बेटी के लिए लेने हैं, किसी को आपको गिफ्ट करने हैं, या आपको खुद के लिए लेने हैं, तो भी आप ले सकते हो। सच में इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, आने के बाद आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो ये है मेरा लास्ट परचेस, तो ये था मेरा साड़ी कलेक्शन जो बनारसी साड़ी कलेक्शन है, तो जो जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट की थी कि आपका जो हेवी साड़ी कलेक्शन है वो दिखाओ। तो अभी का फिलहाल तो ये लेटेस्ट वाला जो मेरा हेवी साड़ी कलेक्शन है वो है, आगे अगर मैं परचेस करती हूँ तो आगे भी आपको दिखा दी जाऊंगी। और इससे पहले भी मैंने अपना साड़ी कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, उसका जो लिंक है साड़ी की वीडियो का वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। तो चलिए आई होप आपको ये मेरा साड़ी कलेक्शन लेटेस्ट वाला पसंद आया हो, और वो भी बनारसी सिल्क साड़ी जो सबको पसंद आती है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, आपको भी बहुत ज्यादा पसंद होगी, और सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है, और दिखती भी बहुत सुंदर है, कोई भी पार्टी फंक्शन में आप पहन सकते हो, और हेवी लुक देती है, तो इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो सारी साड़ी अगर आपको पसंद आती है तो एक लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माय हॉल स्टोर का, इन सारी साड़ियों का, और सेपरेट सेपरेट लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप वहां पे चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको सारे साड़ियों के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो ना और आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, वो भी अगर साड़ी सर्च कर रहे हो अच्छे से तो उनके लिए भी हेल्प मिल जाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।